हेलो स्टूडेंट दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेकेंड सब्जेक्ट ईवीएस लेसन नंबर नाइन आवर बॉडी आवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर अब इसमें हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है आवर बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन एंड इट फ्यू इज फूड हमारा शरीर एक जटिल मशीन है ठीक इसको इसको ईंधन भोजन है इसका ईंधन क्या है भोजन है आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स हमारे बॉडी के क्या हमारे शरीर के कई पार्ट्स होते हैं इच पार्ट हैज इट्स नेम एंड फंक्शन प्रत्येक पार्ट का नाम होता है और फंक्शन कार्य होते हैं और यहाँ पे नाम दिए पार्ट के देखें हैड है शोल्डर कंधे स्टमक पेट होता है फिंगर्स मींस उंगलियां नी मीन्स घुटने हेयर हेयर मींस क्या होते हैं बाल माउथ मीन्स मुंह इयर मीन्स कान स गर्दन चेस्ट चेस्ट मीन्स छाती आर्म मीन्स भुजा हैंड मीन्स हाथ लेग मीन्स कहते हैं टांग क्या तो है पार्ट के नाम है द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन दॉडी इज द टीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ है हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है जीव है सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर सीन इज़ली सच एज आइज नोज़ माउथ हैड हैंड्स फीट एक्सेट्रा मानव शरीर के कुछ हिस्सों को सम पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर सीन इजली सच मानव शरीर के कुछ हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता है जैसे आंख हो गई आईज मीन आंख ईयर्स मींस कान नोज नाक माउथ मुंह हैड हैंड फीट पैरों को हाथ पैरों को इन सबको क्या है आसानी से देखा जा सकता है दिस पार्ट आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी इन इन को क्या जाता जाता external, कहा जाता है एक्सटर्नल पार्ट कहा जाता है हमारे शरीर का एक्सटर्नल मतलब हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा कहा जाता है सब पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर कवर्ड बाय मसल्स एंड बॉन्स अब मसल मीन्स क्या होती है मासमेसिया और बॉन्स मीन्स हड्डी हाँ तो हमारे कुछ शरीर के कुछ भागों कुछ भाग मसल्स और बोन्स से कवर्ड होते हैं वी कैन नॉट सी दैम उन्हें हम देख नहीं सकते मसल्स एंड बोन्स प्रोटेक्टाल मसल्स और बोन्स इन महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करते हैं दिस पार्ट्स आर आप देखो ये पार्ट कौन कौन से हैं जिनकी सुरक्षा करते हैं बोन्स और मसल्स डीज आर पार्ट ब्रेन हार्ट लंग्स लीवर स्टमक इंस, इंस्टेस्टाइन एक्सेट्रा मतलब हमारे जो अंदरी पार्ट्स हैं ब्रेन हो गया हार्ट हो गया मतलब दिमाग दिल लंग्स लीवर हो गए पेट हो गई छोटी आंत हो गई बड़ी तो ठीक है इसके अलावा और भी हमारे अंदर जो शरीर में है उनकी रक्षा करते हैं बॉन्स और मसल दिज पार्ट आर कॉल्ड दिस पार्ट आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी तो इन पार्टों को क्या कहा जाता है इंटरनल पार्ट्स कहा जाता है हमारे शरीर के ठीक है अब देखिए एक्सटर्नल पार्ट्स एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या है सम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट आर हेल्प अस टू नो ऑल अराउंड अस जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं देखिये हमारे शरीर के कुछ एक्सटर्नल पार्ट हमें चारों ओर से जानने में मदद करते हैं हमारे शरीर के कुछ एक्सटर्नल पार्ट हमारे को जानने में चारों तरफ से जानने में मदद करते हैं दीज आर कार्ड साइंस ऑर्गन उन्हें हम क्या कहते हैं साइंस ऑर्गन कहते हैं हम हाँ, हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं फाइव देखिए दे आर आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं आईज हो गई आंख ईयर कान नोज नाक टंग जीभ और स्किन त्वचा तो अच्छा, ये हमारे पांच के है? है हमारे के, eyes, eyes क्या हैं सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के ठीक है आईज आईज क्या कहते हैं आईज आर यूज टू सी आईज हमें देखने में सहायता देती है ईयर्स ईयर आर यूज टू हियर ईयर से हम क्या करते हैं उससे हम सुनते हैं नोज इज यूज टू स्मैल एंड फॉर ब्रीथिंग नाक से हम स्मेल सुनते हैं अच्छी बुरी गंदी अच्छी स्मेल सुनते हैं और सांस लेते हैं टंग टंग यूज टू टेस्ट टंग से हम क्या करते हैं अपनी जीप से हम टेस्ट सकते हैं खट्टा मीठा कड़वा जो भी टेस्ट है वो हम चीजों की टेस्ट को सकते हैं स्वाद को चखते हैं एंड हैल्प टू स्पीक और बोलने में जीव हमारी मदद करती है स्किन इज वेरी सेंसिटिव एंड फील कूल एंड हॉट स्किन क्या होती है बहुत सेंसिटिव होती है और वो हमें ठंडा गर्म महसूस कराती है लेग्स आर यूज टू वॉक रन डांस एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स पैरों का इस्तेमाल हम चलने के लिए डांस के लिए दौड़ने के लिए और कई कार्यों के लिए कई चीजों के लिए करते हैं पैरों का इस्तेमाल हैंड्स आर यूज टू होल्ड थिंग्स एंड टू राइट एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स चीजों को पकड़ने के लिए लिखने के लिए तो कई चीजों के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है ठीक है अब है इंटरनल पार्ट वहाँ हमारे शरीर को कई कई, आं, कई आंतरिक अंग है ठीक है जो हमें शरीर की विभिन्न गतिविधियों को करने में मदद करते हैं। अब है ब्रेन ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन ठीक है दिमाग इट हेल्पर्स टू थिंक एंड एक्ट इट कंट्रोल ऑल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी जो क्या करते हैं यह हमारे यह हमें सोचने में कार्य सोचने और कार्य करने में मदद करता है ब्रेन और हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करता है अब है आपका हार्ट हार्ट क्या करता है हार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी यह हमारे भाग हमारे शरीर का क्या है सबसे महत्वपूर्ण भाग है इट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ़ अवर बॉडी यह के सभी अंगों में रक्त संचार करता है ठीक है हमारे शरीर के सभी अंगों में क्या करता है रक्त संचार करता है वी हेयर द हार्ट बीट स्क्वीज़ एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड जब हम हम अपने दिल की धड़कन सुनते हैं तब तो वह रक्त पंप करने के लिए निचोड़ और आ, निचोड़ा आराम करता है ठीक है अब है लंग्स अब लंग्स क्या करता है लंग्स आर अ पेयर ऑफ ऑर्गन इन द इन द चेस्ट चेस्ट मीन्स क्या होती है छाती लंग्स मीन्स फेफड़े तो छाती में फेफड़े अंगों की जोड़ी है छाती जो हमारी छाती है उसमें फेफड़ों की जोड़ी होती है मतलब फेफड़े दो होते हैं जोड़ी में होते हैं लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ लंग्स से हम क्या करते हैं फेफड़ों से हम सांस लेते हैं वेन वी ब्रीथ इन द लंग्स आर फिल्ड विद ईयर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में क्या हो जाती है हवा भर जाती है वेन वी ब्रीथ आउट जब हम सांस छोड़ते हैं ब्रीथ आउट में सांस छोड़ते हैं सांस छोड़ते हैं द इ्ड आउट ऑफ अवर लंग्स तब तब क्या करते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों को बाहर धकेल दी जाती है ठीक है अब है स्टमक स्टमक मीन्स होते हैं पेट स्टमक रिशीड इस द फूड फ्रॉम अवर माउथ पेट हमारे मुंह से भोजन प्राप्त करता है इट इज लार्ज बैग सेव्ड ऑर्गन ये क्या है एक बड़े बैग के आकार का अंग होता है द स्टमक चोन्स एंड डाइजेस्ट द फूड ये पेट क्या करता है हमारे पेट मंथन करता है और भोजन को बचाता है अब है आपका स्केलेटन स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल ठीक है अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड बॉन्स हमारी बॉडी मसल्स और बॉन्स से मिलकर बनी है द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्स दैट सपोर्ट द बॉडी इज कार्ड दड्डियों की संरचना जो संरचना जो शरीर का समर्थन करती है उसे हम कंकाल कहते है ठीक है स्केलेटन मीन कंकाल कहते है द स्केलेटन गिव गि सेव टू अवर बॉडी कंकाल हमारी बॉडी को शरीर को क्या बनाता है शरीर को आकार देता है हमारे शरीर को कंकाल मसल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉन्स मांसपेशियां हड्डियों हाँ की गति में मदद करती है मांसपेशियां क्या करती है हड्डियों हाँ की गति में मदद करती है ठीक है देयर आर टू हंड्रेड सिक्स बॉन्स इन एन एडल्ट पर्सन वेयर एज अ न्यू बोर्न बेबी हैज मोर देन थ्री हंड्रेड बॉन्स जो है जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनकी कितनी हड्डियां होती है टू हंड्रेड सिक्स बॉन्स होती है जबकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जो नया जन्म बच्चा होता है उसकी कितनी हड्डियां होती हैं? थ्री हंड्रेड होती हैं उसकी ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू